नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबर रामपुर से है, जहां थाना खजुरिया में 5 दिन पहले दो महिला कांस्टेबलों में स्कूटी को लेकर विवाद हुआ था। दोनों के विवाद में पड़कर एसओ खजुरिया की शामत उस वक्त आ गई जब पक्षपात का आरोप लगाते हुए एक महिला कांस्टेबल ने खजुरिया थाना अध्यक्ष की अपने पुलिसिया डंडे से पिटाई कर दी। ये घटना मंगलवार सुबह 10 बजे की बताई जा रही है, जहाँ एक महिला आरक्षी की नई स्कूटी के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उस दूसरी महिला आरक्षी से विवाद हुआ, जो कि उसकी स्कूटी मांग कर ले गई थी। ये विवाद थानाध्यक्ष राजीव कुमार तक पहुंचा। थानाध्यक्ष द्वारा कार्यवाही करने की बजाय समझाने की कोशिश करने पर आरोपी महिला कांस्टेबल नाराज हो गई और उसने गुस्से में आओ देखा न ताओ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे एसओ के कक्ष में घुसकर एसओ की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक दिया और पुलिसिया डंडे से दे दनादन पिटाई कर डाली। घटना की सूचना पाकर सीओ रवि खोखर थाने पहुंचे, कप्तान को पूरी घटना से अवगत कराया। पहले तो उच्च अधिकारियों ने इस मामले को दबाने की कोशिश की, लेकिन मामला मीडिया में आने और महिला कांस्टेबल का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ये कार्यवाही में जुट गए। उधर महिला कांस्टेबल ने एक वीडियो बनाकर एसओ पर गंभीर आरोप लगाए। अपनी आप बीती सुनाते हुए महिला कांस्टेबल ने एसओ पर उसका शोषण करने, इशारों में अनैतिक मांग करने का आरोप लगाया। साथ ही उसने बताया कि बार बार ऐसे इस तरह की मांग किए जाने को लेकर वो परेशान थी, इसी के चलते वो सब करने के लिए मजबूर हो गई। दोस्तों, मेरा नाम आरजू है, मैं जिला बिजनौर की रहने वाली हूँ और वर्तमान समय में मेरी तैनाती जो है महिला आरक्षी के पद पर थाना खजुरिया जिला रामपुर में चल रही है। मैं आप सभी से इस प्रशासन का जो काला सच है वही बताने जा रही हूँ। खाके की आड़ में ये भेड़िए छुपे हुए हैं, ये जो हैं खाके की आड़ में भेड़िए छुपे हुए हैं, जो इस चीज़ की धमकी दिखाते हैं कि हम प्रशासन में रह के क्या कर सकते हैं। मेरा मुकदमा नहीं दर्ज कर रहा है खजुरिया थाने का एसओ जो है, और उल्टा मुझे ही धमकी दे रहा था कि गलत सलत रिपोर्ट लगा के मुझे ही सस्पेंड करा देगा और जिला चेंज करा देगा। जिस अधिकारी को भी मैं अपनी शिकायत करती हूँ तो वहीं मुझसे पहले ही मेरी शिकायत कर देता है, और अगर मैं किसी टोल फ्री नंबर पे भी कॉल करती हूँ तो उस पे भी मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है, और जब मैं थाने जाती हूँ तो मुझे और धमकी देता है उल्टा सस्पेंड कराने की, थाने से हटाने की। 8 दिन 7 दिन हो गए होंगे लगभग मेरा प्रार्थना पत्र रखे खजुरिया थाने में, लेकिन उस पे अभियोग पंजीकृत नहीं कर रहा। मेरी तो मेहनत की कमाई का नुकसान हुआ है, तो इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, अंधे हैं, और अगर ये किसी को पकड़ के भी ले आते हैं क्षेत्र में से और फ्री में कोई छूट के चला जाता है तो इन्हें रात भर यही दर्द रहता है कि हाँ वहाँ से 1000 रुपये नहीं मिले, और मेरी पूरी स्कूटी 1,00,000 रुपये का नुकसान हो गया। एक्सीडेंट कर दिया, तोड़ दी दूसरे ने तोड़ दी, लेकिन ये उसके खिलाफ मुकदमा करने को तैयार नहीं है, और मुझे 5-6 दिन हो गए तो कहाँ जाऊँ मैं, कहीं नहीं जाऊँगी मैं। जो हूँ उच्च अधिकारियों के भी यही हाल हैं, वे भी सुनवाई नहीं करते, तब कोई वीडियो पोस्ट कर देता है कहीं पर तो तब उन्हें लगता है हाँ हम तो ये कर देते, हम तो वो कर देते, तो इन लोगों की ना एक चैन बनी हुई होती है, जिस चैन के थ्रू जो है ये सामने वालों को मानसिक रूप से परेशान करते हैं, जैसे मुझे कर रहे हैं। मेरी भी 6-7 दिन से सुनवाई नहीं हो रही है, और अगर इनकी कहीं को नहीं चलती तो उल्टे मुकदमे में फंसा देते हैं दूसरों को, तो इसीलिए मैं आप सभी से बताना चाह रही हूँ मेरे पास ऐसा कोई अवैध शस्त्र तो है नहीं है जिसके लिए ये उस पर मुकदमा भी लगा दें, क्योंकि इन लोगों में खास आदत होती है, अगर कोई इनके खिलाफ बोलता है ना तो ये उसके स्कूटी बिस्कूटी की डिग्गी हुई या उसका घर हुआ वहाँ पे किसी भी आदमी को लगा कर ना तमंचा रखवा देंगे या कुछ भी रखवा देंगे। ये इस प्रशासन का काला और कड़वा सच है। अब मैं इन लोगों से बहुत परेशान आ चुकी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोगों से उम्मीद है कि मेरी वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग जो है शेयर करें, पोस्ट करें। मेरा नाम आरजू है, मैं खजुरिया थाना जनपद रामपुर में तैनात हूँ। क्या हुआ सब कुछ ये सारी बात? सर, सारा ये हुआ कि एसओ साहब का मेरा पुराना विवाद था जी, क्योंकि मैं जो है कोई मुझे गलत बोलता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आम जीवन में, आम लाइफ है, किसी की कुछ भी हो सकता है। वाद विवाद जो है एसओ साहब ये दिखाते थे कि पति से विवाद चल रहा है तो मेरे गुण गाए, रात को मेरे हाथ पैर दाबे ये आके जो है। इस बात पे पहले भी मेरा उनसे झगड़ा हो गया था स्कूटी का, तो अब ये हल्का सा बहाना हो गया। स्कूटी टूटी थी, साथ की लड़की ने तोड़ी थी, उस पर मैंने केवल ये कहा था कि इसको सही करा दो, लेकिन इन्होंने सही नहीं कराई वो, और खाली मुझे धमकी देने लगे। और जब 24 तारीख को मैं एसओ साहब के यहाँ गई, एसओ साहब के पास में छप्पर में बैठे थे वो, मैंने वहाँ जाके कहा तो कहने लगे तू ऐसे ही परेशान रहेगी जब तक मेरी बात नहीं मानेगी,
इस बात का जो मुझ पर प्रेशर दिया। तो फिर कल क्या हुआ, जो झगड़ा हुआ, मिर्ची वर्ची झोंकी, क्या डंडा मारा सर? वो उसी बात का पुराना विवाद था, ऐसो साहब कर मेरा उसी बात के लेकर झगड़ा था। इन्होंने जो महिला कांस्टेबल का दिखाया कि महिला कांस्टेबल नई स्कूटी दे रही थी, वो सब झूठ है सर। अगर स्कूटी दे रही थी तो शायद हो सकता उसके स्कूटी के जो पर्चे वर्चे खरीदी भी लिया, अस्तो साहब के पास ही रखे हों। तो कल क्या हुआ, जो थाने में ऑफिस में पहुंच के आपने मिर्ची डाली थी, क्या था कल जब झगड़ा हुआ? हम दोनों के बीच में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, वहाँ कोई नहीं था, वहाँ पर कोई नहीं था। ये लोग मुझे अंदर ले गए, अंदर ले जाके इन्होंने मेरे साथ में मारपीट करी, और अस्तो साहब ने और सत्य आरती ने मेरे साथ गाली गलौज करी और मुझे कहा इसको बैठाए रखो और इसके घर को बुलाओ। इनके उसके घर को बुला के भी मुकदमा लिखते हैं उनके खिलाफ और इसके खिलाफ भी, तब ये जो है मानेगी। तो आपने मिर्ची डाली थी जी? हुँ? जी। कैसे डाली मिर्ची, कहाँ से आई आपके पास मिर्ची? घर से लेके गई थी सर। फिर क्या करा मुझे उसी बात का, क्योंकि इसने मुझे जो अपशब्द बोले थे 24 तारीख में ऐसो ने, मुझे उसी बात का वो था सर जी। मिर्ची डाल दी आपने जी स्कूटी का? मैंने तो 5 दिन से 23 तारीख की घटना मैं जा रही थी, स्कूटी का तो कोई जिक्र ही नहीं करा मैंने इनसे किसी लोगों से भी। अच्छा, जो वीडियो जी, जो वीडियो हो रहा है आपको, इसमें आरोप लगाए तो वो आरोप कितने सही हैं? आरोप सत्य हैं। ये वर्दी के आदमी भेड़िए छुपे हुए हैं, राक्षस हैं ये। इनकी एक चैन बनी हुई होती है, अब भी कह रही हूँ उसी चैन के थ्रू सामने वाले को मानसिक रूप से परेशान करते हैं ये। हम लोग अगर कहीं उच्च अधिकारियों के सामने अपनी बात भी रखने जाते हैं तो ये लोग जो है ना हमें जाने ही तक नहीं देते। किसी अधिकारी के पास में चले जाए तो पेशकार साहब या कोई और होता, कहते हैं परमिशन दिखाओ, तुम्हारे थाने की परमिशन कहाँ है? तो बताओ क्या करें हम लोग? अब आप क्या चाहती हैं? मैं अब सर यही चाहती हूँ, ये जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, स्कूटी का भी झूठ लगा रहे हैं, और जो संबल का विवाद दिखा रहे हैं कि संबल में विवाद चल रहा था ये है, उसके लिए भी मैं कप्तान साहब से मिलने गई थी, मुझे वहाँ से भगा दिया गया था पेशकार साहब के द्वारा जो है। अब आप इंसाफ चाहती हैं? जी इंसाफ चाहती हूँ। फिर मैंने जिले में उन्हें स्पीड पोस्ट करी एप्लीकेशन, जिसकी रसीद भी मैंने रख रखी है, इसीलिए कि ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये पुरानी दुश्मनी चली आ रही है इन लोगों की प्रशासन की, क्योंकि ऐसा होता है इनकी जो कमी है मैं मुंह पे बोल देती हूँ, इसीलिए मैं इनकी नज़रों में झेलती नहीं हूँ। ये थाना खजूरिया में एक महिला आरक्षी है जिसका एक अन्य आरक्षी से स्कूटी के एक्सीडेंट को लेकर विवाद हुआ था, जिसका रिजोल्यूशन हो रहा था, इसी बीच किसी उतावलेपन में उसके द्वारा एसओ से मिसबिहेव किया गया और उस पर हमलावर हुई। इस अनुशासनहीनता के लिए उसे निलंबित किया गया है, विभागीय कार्रवाई चल रही है, जहाँ से जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरह से उसका वीडियो वायरल हुआ, वो पुलिस पर ही आरोप लगा रही है कि वर्दी की आड़ में, जैसा मैंने आपको बताया कि बात तो मात्र इतनी थी कि स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था और जिसके संबंध में निदान किया जा रहा था, अब उसने किस माइंडसेट में और किस तरह से ये हरकतें की हैं, ये जांच का विषय है, जो कि जांच चल रही है। सर, मिर्ची डाल के डंडे से मारपीट भी की है, देखिए मैंने आपको बताया मिसबिहेव किया गया और हमलावर हुई, ये सभी तथ्य जांच में आएंगे। पहले भी कुछ इस तरह की घटना हो चुकी है उनके साथ? ऐसा कुछ जानकारी मिल रही है कि पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं की गई, ये सभी चीज़ें जाँच में सामने आ जाएंगी। तो महिला को निलंबित कर दिया गया? जी जी। रामपुर से सीनियर संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। दो महिला कांस्टेबलों में स्कूटी को लेकर विवाद आजकल रामपुर में छाया हुआ है। फिलहाल इस मामले में पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाला विषय होगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।